आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। माफिया अतीक अशरफ के पास के हथियारों के पास कई राज दफन है। ये तीनों जानते हैं कि कत्ल का इशारा किसने किया और किसके इशारे पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों के पुलिस रिमांड को मंजूर कर लिया है। तीनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। हालांकि एसआईटी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 4 दिनों की ही मंजूरी दी है। रिमांड में पूछताछ के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि हत्या के लिए आरोपियों को हथियार कहां से मिले, किसने दिए, साथ ही हत्या किस लिए की गई है, इसके कारण भी जांच का विषय है। जॉन ब्रदर्स के हथियारों की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली गई है। इस दौरान तीनों ही हथियारों से कई सवाल पूछे जाएंगे और एसआईटी इन सभी सवालों के जवाब करती हुई नजर आएगी। तो अतीक और अशरफ के हथियारों से तकरीबन 4 दिनों तक ये पूछताछ चलेगी, जहां पुलिस द्वारा एक तरफ 7 दिन की रिमांड की अर्जी दाखिल की गई थी, तो लेकिन सीजीएम कोर्ट में आज पेशी के दौरान पुलिस को 4 दिन की रिमांड की मंजूरी मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, अतीक और अशरफ हत्याकांड के आरोपियों की जो पुलिस रिमांड है वो 4 दिन के लिए मंजूर कर ली गई है, तो उस दौरान कई ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि उन तीनों हथियारों के साथ वहां पर कई और भी लोग मौजूद थे, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। आपको बता दें कि अतीक और उसके भाई अजीम अशरफ के हथियारों की आज पेशी प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में हुई। इस दौरान अगर बात करें तो इन तीनों आरोपियों को नवलीन और साथ ही साथ अरुण और सनी, तीनों आरोपियों को पेश किया गया, तो उन्हें सील लगाकर कोर्ट परिसर में ले जाया गया, जहां आरएफ और पीएसी बल को भी तैनात किया गया था। जब ये कोर्ट परिसर में पहुंचते हैं पुलिस की गाड़ी से, इसके ठीक बात के पूरी सुरक्षा के चक्र के साथ इन्हें अंदर ले जाया जाता है और इन्हें दौड़ाते हुए ले जाया गया है कि किसी तरह का कोई इसके ऊपर हमला ना हो सके। साथ ही आपको बताएं कि पुलिस की तरफ से, एसआईटी की तरफ से कोर्ट से इनकी 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी, जिससे अतीक और अशरफ की जो हत्याकांड है उससे जुड़े तमाम दस्तावेजों को लेकर उनसे पूछताछ की जा सके। साथ ही साथ उनके मोबाइल की भी तलाश पुलिस कर रही है और जिस बंदूक से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई है उस बंदूक को जहाँ से वो ले आए और भारत में प्रतिबंधित है, हत्या से किन किन के तार जुड़े हैं, इसको पता लगाने के लिए इन तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड को एक साथ बैठा कर और तीनों के संबंध से लेकर और कैसे ये मिले, कैसे इस घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग किए, हर एक तैयार हर एक सवाल पूछेगी। अगर आपको बताए एसआईटी अगर बात करे तो लगभग 100 सवालों की छड़ी तैयार कर लिया है, आने वाले 4 दिन पुलिस अलग अलग जगहों पर ले जाएगी, जहां वो रुके थे वहां ले जाएगी, सवाल उनसे लगभग सैकड़ों पूछेगी। साथ ही साथ घटना स्थल पर एक बार फिर क्राइम सीन को एक बार दोहराया जाएगा, यानी कि घटना कैसे हुई इसको लेकर एक बार फिर वहां पे नाटकीय रूप में एक बार फिर क्राइम सीन को हैपन किया जाएगा, वारदात किया जाएगा, जिससे वो कैसे इस घटना को अंजाम दिए। और साथ ही आपको बताए कि इनको बात करें तो प्रयागराज के मैनी जेल ले जाया गया था, जहां अतीक अहमद का पुत्र अली बंद था। सुरक्षा की दृष्टि और गैंगवार को देखते हुए इन्हें वहां से हटाकर अब प्रतापगढ़ जेल ले जाया गया। अब उन्हें आज सीजीएम कोर्ट में प्रयागराज प्रस्तुत किया गया है और ये आने वाले 4 दिन पुलिस रिमांड में सिविल लाइन्स में रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी हत्याकांड जहाँ देशभक्त की निगाहें हैं इसमें किसका हाथ था और एक गरीब घर के तबके के लड़के को इतनी महंगी बंदूक कहां से मिली। भी आपने जिक्र किया कि सीन रिक्रिएट किया जाएगा पूरा, तो ये जो सीन का रिक्रिएशन है ये कब किया जाएगा और किस तरीके से किया जाएगा, क्या इन तीनों ही हथियारों को वहां पर ले जाया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बता रहे कि जिस जगह पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अजीम अशरफ की हत्या हुई ठीक उसी जगह पे इन तीनों आरोपियों को ले जाया जाएगा। और जिसकी तरफ से आपको बताएं कि अगर तीन आरोपियों की बात करें तो एक आरोपी कैमरा लिए हुआ था
और दूसरा माइक आईडी और तीसरा वहां मुख्य दर्शक बन के खड़ा था जिसके कौन से गोलियां चलाई गई थी। ठीक वैसे ही डिक्लेरेशन किया जाएगा और चार दिनों तक जहां जहां वो प्रयागराज में गए जिनसे मिले और किससे उनके उनके मोबाइल फोन की भी तलाश की जाएगी जिससे उनको जो सूचना का दिया होगा या जिसके वो संपर्क में होंगे उसको खंगालने की उम्मीद। और चार दिनों में देखने वाली बात यह होगी इन चार दिनों में कितना तहकीकात करके और अधिक और अशरफ से हथियारों को उनके किसके संपर्क से जानकारी। ठीक है विभांशु, ये जो खबरें हमको मिली है कि चार दिन के रिमांड को मंजूर किया गया है यानी कि इनकी अगली पेशी 23 अप्रैल को होनी है, लेकिन 23 अप्रैल को तो रविवार है और उस दिन कोर्ट बंद रहता है। जी आपको बता दें कि अगर ऐसे कोई मामले होते हैं तो सीजीएम कोर्ट होता है जी, तो छुट्टियों के दिन पे चलाया जाता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या सीजीएम कोर्ट गेस्टेड हॉलीडे के दिन भी खुलता है। और इस मामले को लेकर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की भी निगाहें इस पर कहीं ना कहीं केंद्रित है। और अगर देखें तो देश भर के जो तमाम अतीक अहमद के समर्थक हैं या इस घटना से आहत हुए हैं कि एक सांसद की मौत हुई है तो बात करो तो अतीक अहमद एक अपराधी था लेकिन एक सपोर्ट से नेता भी था। साथ ही उसको अगर तमाम जो उसके समर्थक उनका कहना है कि कोर्ट तो उसको सजा देती अब उसकी हत्या हुई और उनकी अपेक्षा है अतीक अहमद के और उसके भाई अजीम अशरफ के जो हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द किनसे संपर्क में थे क्या खुलासा हो। अब देखने वाली बात ये होगी इन चार दिनों में जहां सैकड़ों सवाल लेकर एसआईटी तैयार की है इसमें क्या सामने आता है वो चार दिनों के बाद साफ हो पाएगा। जी ठीक है विभांशु, इन चार दिनों के रिमांड में काफी कोई अहम सवाल है जो पूछे जाएंगे, काफी कुछ जो राज है उनसे भी पर्दा हटेगा, लेकिन इन चार दिनों के बाद क्या अधिकारी इस मामले पर कुछ अपना बयान देंगे क्योंकि अभी तक अधिकारियों की तरफ से इस हत्याकांड के बाद कोई भी बयान नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल मुस्कान आपने सही कहा, इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी आर के विश्वकर्मा हो या एडीजी स्पेशल प्रशांत कुमार हो कानून व्यवस्था भी उनके पास में है, ऐसे कोई भी चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो किसी जिम्मेदार की तरफ से अभी तक इस पर बयान नहीं दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि चार दिन की जो एसआईटी रिमांड ली है इसमें किस बातों का जब एसआईटी की जांच पूरी होगी तो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या उनकी तरफ से जानकारी दिया जाता है एसआईटी की टीम की तरफ से। साथ ही जो पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी है उनकी तरफ से जांच को लेकर क्या जानकारी दी जाती है वो आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। ठीक है धन्यवाद विभांशु हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो डॉन ब्रदर्स के हत्यारे बोलेंगे और कई राज खोलेंगे। जी हाँ ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तीनों हत्यारों की चार दिन के रिमांड को सीजीएम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और इन चार दिनों में जो एसआईटी है वो तमाम तरीके के सवाल पूछेगी और इस दौरान कई ऐसे प्रश्न है जिनके भी सवाल ये तीनों हत्यारे देते हुए दिखाई देंगे। वहीं जहां एक तरफ अतीक और अशरफ के तीनों हत्यारों की चार दिन के रिमांड को मंजूर कर लिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रयागराज में बीते शनिवार यानी कि 15 अप्रैल को माफिया नेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में पुलिस अभिरक्षा में हत्या को लेकर यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को जारी अपने नोटिस में आयोग ने उनसे चार सप्ताह के अंदर इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। वह सुप्रीम कोर्ट प्रयागराज में अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है जिसकी सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। वहीं अहमद ने सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और दावा किया था कि उसे यूपी पुलिस द्वारा फर्जी एनकाउंटर में मारा भी जा सकता है और एसटीएफ द्वारा असद और गुलाम मोहम्मद के कथित एनकाउंटर के मामले में अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा भेजी गई शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज कर लिया है। अमिताभ ठाकुर को भेजे गए ईमेल में आयोग के सहायक रजिस्ट्रार ने बताया कि इस संबंध में उनके द्वारा भेजी गई शिकायत को एसएसपी झांसी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के साथ संबद्ध करने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। झांसी में एसटीएफ द्वारा किए गए असद के कथित एनकाउंटर के संबंध में मेरे द्वारा की गई शिकायत के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज ईमेल के जरिए मुझे सूचित किया है कि उन्होंने इस संबंध में
एसएसपी झांसी द्वारा भेजी गई सूचना के साथ मेरी शिकायत को केस के रूप में पंजीकृत कर लिया है और इस संबंध में आयोग द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। मैंने अपनी शिकायत में 12 ऐसे बिंदु दिए हैं जिनके आधार पर एसटीएफ द्वारा किया गया यह मुठभेड़ पूरी तरह संदिग्ध प्रतीत होता है। तो एनएचआरसी ने अमिताभ ठाकुर की शिकायत का संज्ञान लेते हुए अब जो पुलिस है उसको नोटिस भी भेजा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, अमिताभ ठाकुर ने एनएचआरसी को एक 12 बिंदुओं का जो पत्र दिया था जिसमें कहा गया था कि अतीक और अशरफ के हत्याकांड की पूरी जांच हो, तो वहीं आज अमिताभ ठाकुर ने बताया कि उन्हें एनएचआरसी की तरफ से एक मेल भी भेजा गया है। तो उस मेल की बड़ी बातें क्या क्या रही? अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की तरफ से बीते दिन अतीक और अतीक अहमद के पुत्र असद और उनके सहयोगी गुलाब का झांसी में एनकाउंटर हुआ था, जिसको लेकर अमिताभ ठाकुर की तरफ से राष्ट्रीय मानवाधिकार को एक पत्र दिया गया था जिसमें 12 बिंदु लिखित थे। जिसमें अगर बात करें तो बताया गया था कि एनकाउंटर को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से उनसे शिकायत थी, इसके आधार पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। अगर बात करें मिसाल मान की, तो इसमें साफ तौर से यह लिखित आया है कि आपके जो शिकायत है उसको स्वीकृति ली जाती है और आने वाले दिनों में इस पर कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच की जाएगी। आपको बताएं कि अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की तरफ से राष्ट्रीय मानवाधिकार को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि बीते दिन जो असद और इसके सहयोगी गुलाम का झांसी में एनकाउंटर हुआ है, इसको लेकर झांसी के एसपी और साथ ही साथ एसएसपी के ऊपर कहीं ना कहीं एनकाउंटर को और साथ ही एसटीएफ के एसपी पर कहीं ना कहीं संदेह जताया था और इसको कहा था कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। दूसरी वाली बात यह होगी कि अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत पत्र को स्वीकृति मिली है, आने वाले दिनों में इसको जांच होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या सामने आता है। ठीक है विभांशु, एनएचआरसी ने केस तो दर्ज कर लिया, अमिताभ ठाकुर को मेल भी भेज दिया, लेकिन क्या एनएचआरसी की तरफ से अभी तक पुलिस को कोई नोटिस भेजा गया है? क्या उनसे जवाब मांगा गया है? बिल्कुल, आपको बताएं कि मेल के माध्यम से राष्ट्रीय अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की तरफ से इसका शिकायत किया गया था, जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से उन्हें एक रिप्लाई देते हुए मेल के माध्यम से और एक पत्र के माध्यम से उन्हें उनके जो शिकायत पत्र थी और उनके 12 बिंदु थे उसको आधार बनाकर मामला दर्ज कर लिया गया है। अब आने वाले दिनों में राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से असद और गुलाम के हुए एनकाउंटर को लेकर जांच होगी, क्योंकि राष्ट्रीय अधिकार सेना के अध्यक्ष की जो शिकायत है कि उन्हें जो एनकाउंटर हुआ है उस पर संशय है और वो गलत इसे बता रहे हैं। इसको लेकर अब जांच के बाद साफ हो पाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार इसको जब जांच करेगी और रिपोर्ट के आधार पे कह सकेंगे कि अब मामले पूरी मामला क्या था। जी धन्यवाद विभांशु हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो यूपी में निकाय चुनाव नजदीक है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंडल के चारों जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक करेंगे और निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप का चुनावी मंत्र भी अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री का जंतर दर्शन कार्यक्रम नहीं होगा। वही गोरखपुर में आपको बता दें कि 4 मंडलों में चुनाव होने हैं, जिसमें गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज और कुशीनगर शामिल है। वहीं अगर गोरखपुर के आंकड़ों पर नजर डाले तो बीते 28 सालों से ही बीजेपी इस सीट पर काबिज रही है, यानी अभी तक किसी और पार्टी ने सीट पर जीत नहीं दर्ज की है। तो इस बार जाहिर सी बात है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने ये चुनौती होगी कि वो अपने पुराने नतीजों को यूं ही बरकरार रखे, तो कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी दल है वो सीएम योगी के गढ़ में सेंध लगाते हुए वोटर्स को लुभाने का भी प्रयास करेंगे।
तो निकाय चुनाव नजदीक आ चुके हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, जबकि पहले चरण के नामांकन पत्र भी भरे जा चुके हैं और दूसरे चरण का नामांकन जारी है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, 2017 का विधानसभा चुनाव जब हुआ तो जो बड़ी रैली थी उनकी शुरुआत भी सुल्तानपुर से हुई, और जब पसमांदा सम्मेलन हुआ तो उसकी शुरुआत भी सुल्तानपुर से हुई, लेकिन अब निकाय चुनाव की जो जंग है वो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से शुरू कर रहे हैं, वजह क्या बताई गई है? देखिए, वजह यहाँ पर मुस्कान केवल एक है, और मुख्यमंत्री यहाँ पर हर चुनाव को नेतृत्व करते हैं, आगे बढ़ के लीड करते हैं, और यही बातें हैं जो उनको अलग बनाती है और लगातार उनको इसका लाभ भी मिल रहा है। केवल चुनाव की बात नहीं करेंगे हम, अगर हम 14 चुनाव की बात करें, 17 चुनाव की बात करें, 19 चुनाव की बात करें, 22 चुनाव की बात करें, यहाँ पर समीकरण और रणनीति योगी आदित्यनाथ यहाँ पर लगातार आगे बढ़कर तमाम जो रैलियाँ होती हैं, जनसभाएं होती हैं, उनको करते हैं, और ऐसा हम पहली बार नहीं देख रहे हैं। चाहे सम्मेलन की बात करो, गोरखपुर चूंकि उनका गढ़ है, वहाँ से चूंकि मठाधीश है, वहाँ पर जो वहाँ का जो गोरखनाथ मंदिर है, वहाँ के पीठेश्वर भी है, तो कहीं ना कहीं एक जो उनकी छवि है वो छवि भी बेहतर है, और कहीं ना कहीं हमेशा हमें देखते रहते हैं, गोरखपुर जाते रहते हैं, गोरखपुर से उनका लगाव भी है। तो जब कोई महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, जो चुनाव भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 चुनाव के पहले का सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश से माना जा रहा है, तो शुरुआत गोरखपुर से करने जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री हमेशा हमने देखा है, चाहे जीएस सर्वे की बात करें, चाहे रोड शो की बात करें, चाहे समिट के लिए निवेशकों को लुभाने की बात करें, हमेशा आगे बढ़कर जा भी रहे हैं, और लगातार जिस तरह का अभी चर्चाएं चल रही है नगर पालिकाओं में और नगर निगमों में, जो बड़े नगर निगम है वहां पर जाएंगे, जनसभा करेंगे। ठीक है गौरव, सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में है, जहां चार मंडलों में चुनाव होने हैं, जिनमें देवरिया, महराजगंज और कुशीनगर के साथ ही गोरखपुर भी शामिल है। तो क्या इन सभी मंडलों के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग एक ही साथ होनी है या अलग अलग होगी? देखिए, मीटिंग यहाँ पर एक साथ भी हो सकती है, अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, और चूंकि पूर्वांचल में अगर हम बात करें, पूर्वांचल में बीजेपी को खासी सफलता तो नहीं मिली थी, इससे पूर्वांचल के जो तमाम जिले हैं तो वहाँ पर भी समीकरण साधने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर सुभाषपा भी सक्रिय है, वहाँ पर सपा भी सक्रिय है, वहाँ पर अन्य दल भी सक्रिय है, तो कहीं ना कहीं उनका सोचना यह है कि अगर यहाँ पर हम ऐतिहासिक विजय हासिल करते हैं, यहाँ पर लाभ उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ हमको मिलेगा, क्योंकि मुस्कान सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो निकाय चुनाव होता है ये जो वोटर की सबसे छोटी कड़ी है, क्योंकि निकाय चुनाव में वही वोटर होते, वही लोकसभा चुनाव में भी होते हैं, वही विधानसभा चुनाव में होते हैं, तो अगर हमने गलियों मोहल्लों का चुनाव जीत लिया, अगर हमने शहर की सरकार बना ली, शहर में अपना बहुमत जुटा लिया, तो कहने का इसका लाभ हमको आगामी लोकसभा चुनाव में मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा यहां पर चार मंडलों को विशेष रूप से चिन्हित भी किया जा रहा है, और जानकारी के मुताबिक यहां यह भी जा रहा है कि 20 अप्रैल के बाद मुख्यमंत्री जो बड़े नगर निगम है, जो बड़ी नगर पालिका है, वहां पर जनसभा भी आयोजित करेंगे, और उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे, पार्टी पदाधिकारी रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे। मुस्कान, ठीक है गौरव, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि जो छोटे मोटे दल है वो काफी एक्टिव है, और तमाम कई ऐसे प्रत्याशी भी है जिनको टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर गए, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से ये निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो क्या ये आंकड़ों में बड़ा फेर बदल कर पाएंगे? देखिए मुस्कान, अगर इस चुनाव की बात करें, क्योंकि चुनाव बहुत जल्दी हो रहा है, अमूमन हम देखते हैं जो चुनाव होता है वो 45 दिन में कम से कम होता है, और यहाँ पर चुनाव जो कराया जा रहा है महज 27 दिन में चुनाव हो रहा है, तो कहीं नहीं मुस्कान, यहाँ पर हम देखें, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, तो अगर पिछली बार की तुलना करें तो वहाँ पर 2000 से ज़्यादा प्रत्याशी खड़े हुए थे, उस बार अगर हम ईश्वरस बाढ़ की बात करें तो महज 963 लोग यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, ये पार्षदों की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चुनाव जल्दी हो रहा है तो निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ कम रहेंगे, पर चूंकि छोटे दल भी हैं वो भी अपने प्रत्याशी उतारते हैं, उनका लगाव भी रहता है, अगर जुड़ा बड़े दल के साथ उनका जुड़ाव है तो ठीक है, अगर वो यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, अपने प्रत्याशी उतारते हैं, निश्चित समीकरण तो प्रभावित होंगे, पर बीजेपी आश्वस्त है अपनी नीतियों को लेकर, अपनी रणनीतियों को लेकर, कि बीजेपी को यहाँ पर कोई भी पार्टी चुनौती देने वाली फिलहाल नहीं है। ठीक है गौरव, इस बार यूपी में कुल 17 नगर निगम में चुनाव होने हैं, यानी कि इस बार यूपी को 17 मेयर मिलेंगे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में तो मौजूद है, तो क्या इन सभी 17 निगम में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जाएंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने? देखिए मुस्कान, ये अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि कार्यक्रम भेजा गया है, कार्यक्रम के बाद स्पष्ट हो जाएगा, 20 अप्रैल के बाद इस तरह के प्रोग्राम कराए जाएंगे, अब उसमें कौन से नगर निगमों में मुख्यमंत्री जाएंगे, कहाँ डिप्टी सीएम जाएंगे, कहाँ केंद्रीय मंत्री जाएंगे, कहाँ पदाधिकारी जाएंगे, ये फिलहाल अभी कोई प्लान नहीं आया है, कि बीजेपी की हर रणनीति अलग रहती है, जाएंगे जरूर ये स्पष्ट है, और जब खासतौर से वहाँ जरूर जाना होगा, जैसे अगर बसपा बात करें, जहाँ पर बसपा मेरठ की अगर बात करें, वहाँ पर बसपा जीत कर आई थी, तो ऐसी कुछ सीटें जहाँ पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, वहाँ मुख्यमंत्री जा सकते हैं, जैसे वहाँ
जहां पर बड़ी नगर पालिका है वहां जा सकते हैं, या जहां पर आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी से पार्टी सक्रिय है पश्चिम में जहां पर रालोद का गढ़ है वहां जा सकते हैं। तो रणनीति यहां पर यही रहेगी, क्योंकि रणनीति मुस्कान यहां पर एक नहीं है। अभी हमने हाल में देखा जिस तरह से अमित शाह केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री यहां पर आए थे और वहां उन्होंने सम्मेलन को संबोधित भी किया था, तो यहां सभी उनके मंत्री और पदाधिकारी सब लगे हुए हैं और रणनीति इनकी स्पष्ट नजर आ रही है कि यहां पर सभी वर्गों को और सभी जगहों पर स्पष्ट रणनीति से उतरेंगे चुनाव में। ठीक है गौरव, इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है, लेकिन अगर गोरखपुर के निकाय चुनाव का इतिहास हम देखें तो 28 साल से लगातार इस सीट पर भाजपा का ही वर्चस्व रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार भी भाजपा की ही जीत होगी या फिर जो विपक्षी दल है वो सेंधमारी मारने में कामयाब होंगे? देखिए मुस्कान 28 साल से है लखनऊ में भी 28 साल से लगभग है, तो यहाँ पर गोरखपुर में बीजेपी जीतेगी या हारेगी फिलहाल भविष्य के घर में नहीं है, पर चूंकि जिस तरह से विचारधारा चल रही है वहाँ पर पीठेश्वर गोरखनाथ मंदिर के वहाँ से बीजेपी विधायक भी रहे हैं और इसके अलावा सांसद भी रहे हैं, और जो वहाँ पर अभी हाल में अगर हम घटनाक्रम देखें तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री का एक अलग छवि है, उनका एक ओरा है, उस ओरा से मेरे ख्याल से वहाँ पर कोई अलग प्रत्याशी जीतने की संभावना कम रहती है मुस्कान। और हाँ अगर कुछ समीक्षा बदले या कुछ अलग करके दिखाया है सभा में पार्टी का प्रत्याशी बड़ा साबित हो तो अलग बात है, फिलहाल इतनी संभावना नहीं रहती है कि गोरखपुर से कोई अन्य पार्टी जीत पाए। जी ठीक है धन्यवाद गौरव हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है, निकाय चुनाव के मद्देनजर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो इन दिनों निकाय चुनाव की धूम दिखाई और सुनाई दे रही है। हर राजनीतिक दल अपने आप को प्रभावी बताने का दावा करता हुआ भी नजर आ रहा है, चाहे वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो या फिर मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी आप या सुभाषपा ही क्यों ना हो, सभी के सभी नतीजे आने से पहले अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इन सबके बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की भूमिका निकाय चुनाव में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। असल में ऐसा कहा जा रहा है कि संगठन के बेहद जानकार समझ वाले शिवपाल यादव निकाय चुनाव में प्रभावी भूमिका में दिख रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव के प्रभावी भूमिका में दिखने के पीछे ऐसी वजह बताई गई है कि उनको संगठन से जुड़े हुए लोग केवल पसंद ही नहीं करते हैं बल्कि उनकी बात को सुनकर उस पर अमल भी करते हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में प्रमुख भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर सपा ने रणनीति तैयार कर ली और एक लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से किसी चुनाव में अखिलेश और शिवपाल यादव एक बार नजर आएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, एक लंबे अरसे के बाद शिवपाल और अखिलेश यादव एक साथ नजर आएंगे, तो क्या लगता है इस बार सपा को और कितनी ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी? देखिए लंबा अरसा तो नहीं कह सकते क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जो है जसवंत नगर से प्रत्याशी बनाया गया था शिवपाल यादव को और वहाँ से वो जीत कर भी आए थे। 2017 की बात है जब लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी इनकी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के पद से शिवपाल यादव को हटा दिया गया था। उसके बाद अगर बात की जाए तो मैनपुरी जब उपचुनाव हुआ, नेताजी मुलायम सिंह यादव के दिवंगत होने के बाद मैनपुरी का जब उपचुनाव था उसमें शिवपाल यादव साथ आए थे और परिवार के साथ खड़े रहे थे। वो ऐसी परिस्थिति थी कि उनको अपने बड़े भाई के परिवार के साथ खड़ा होना था और समाजवादी पार्टी के योगदान बनाने में काफी योगदान शिवपाल यादव का रहा है। अगर बात की जाए तो उस मैनचुरी उपचुनाव के बाद जब राष्ट्रीय अधिवेशन कोलकाता में हुआ था तो एक तस्वीर आई थी अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव की, जिसमें अखिलेश यादव बैठे थे, बगल में शिवपाल यादव बैठे थे, बंगाल गए थे राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए जहां पे ममता बनर्जी से मिले थे। तो अखिलेश यादव शिवपाल यादव का साथ जो है अब समाजवादी पार्टी को मिल चुका है और दोनों ही अपने अपने तरीके से इस पार्टी को और आगे लेकर जा रहे हैं। अब निकाय चुनाव है, विवेक अगर 2017 के आंकड़ों की बात करें तो जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अलग हुए थे तो कहीं ना कहीं उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था, लेकिन अब दोनों एक साथ आ चुके हैं तो क्या लगता है समीकरण भाजपा के कुछ बिगड़ सकते हैं?
देखिए अगर बात की जाए 17 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उस समय उत्तर प्रदेश में ऐसा पहले से भी रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है गिराती है। कोई भी सरकार अगर पिछले 34 साल के आंकड़े को देखा जाए तो कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट नहीं हुई है। बसपा आई सपा आई इस तरह की चीज़ें रहती गई हैं। तो 17 का जो इलेक्शन का जो नतीजा था, एक तरफ कह सकते हैं वो सत्ता परिवर्तन की लहर थी, दूसरी तरफ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 14 से 17 तीन साल का समय हो चुका था और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है वो उत्तर प्रदेश में काम किया। 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद दोबारा ये सरकार रिपीट होती है। 34 साल बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास जो है वो बदलता है और पहली बार ऐसा हुआ इन 34 सालों में जो उत्तर प्रदेश ने किसी को दोबारा सरकार बना दी हो, दोबारा सत्ता किसी के हाथों में दी हो। उसके बाद अगर देखा जाए तो पहले के अगर पंचायत चुनाव की बात की जाए तो सपा और रालोद गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटें जो है पंचायत चुनाव में जीत चुका था। इस बार जो है गठबंधन में भी थोड़ी खटास देखने को मिली, फिर बाकी मामले ठीक हुए। अब अखिलेश यादव शिपाल यादव एक साथ हैं, रालोद भी उनके साथ है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी कड़ी टक्कर मिलती है। क्या पिछले पंचायत चुनाव जैसे माहौल होता है या भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी बाकी आम चुनाव की तरह लीड करती हुई देखी जा सकती है। ठीक है विवेक, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सपा के गढ़ पर नजर गड़ाए बैठे हैं तो वहीं सपा भी अब बीजेपी के दल में सेंधमारी करेगी। जाहिर सी बात है क्योंकि चुनाव इसी पर निर्भर होता है। तो सपा के जो भाजपा का गढ़ है उसमें कौन कमान संभाल रहा है बीजेपी की, और जो भाजपा का गढ़ है सपा की तरफ से उसकी कमान कौन संभाल रहा है? देखिए अगर बात की जाए तो 90 के दशक से ही अगर लखनऊ की बात की जाए, मैं आपको राजधानी लखनऊ की बात बताता हूँ 90 के दशक से ही मेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का भी रहा है। और जब नामांकन हुआ दो दिन पहले तो वहाँ किस प्रकार से देखा गया था कि भाजपा कार्यालय से सुरेश खन्ना जो कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व महापौर और पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, इसके अलावा अगर कौशल किशोर जो केंद्रीय मंत्री हैं, इसके बाद की जाए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इन्होंने पदयात्रा करके जो बकायदा है वो नगर निगम मुख्यालय पहुंचे थे, सुषमा खरकवाल का नामांकन कराया था। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने गढ़ में कितनी मजबूती के साथ और कितनी बेहतर तरीके के साथ जा रही है। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी वंदना मिश्रा, वो भी अपना नामांकन करने आई थी, लेकिन अगर बात की जाए भाजपा के लिहाज से तो उनके साथ कोई बड़ा नाम नहीं था, वंदना मिश्रा के साथ कोई बड़े लोग नहीं थे, कोई बड़े नेता जो है वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। उस हिसाब से देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने गढ़ में तो शेर है ही, लेकिन अगर जहाँ वहाँ उसकी चीज़ें जिस भी क्षेत्र में उसकी चीज़ें उसके हिसाब से नहीं है, वो अपने स्टार प्रचारक को वहाँ लेते हैं, वहाँ कैंपेनिंग करते हैं और वहाँ की चीज़ों को भी दुरुस्त करने का काम करते हैं, तो समाजवादी पार्टी को ये चीज़ें समझनी होगी और इन चीज़ों पर लगातार जो है उसको फोकस करना होगा ताकि निकाय चुनाव में वो कुछ बड़ा उलट फेर कर पाए। ठीक है विवेक, इस बार के निकाय चुनाव में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव तो साथ नजर आएंगे, लेकिन अतीक अश्रफ हत्याकांड को क्या सपा मुद्दा बनाएगी, और अगर मुद्दा बनाती है तो कितनी कामयाब हो सकती है? देखिए मुद्दा तो कहीं ना कहीं बन चुका है, देश का पूरा विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरे हुए पड़ा है, क्योंकि ये सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, माफिया मुक्त अपराध मुक्त भय मुक्त प्रदेश की बात करती है और कानून व्यवस्था पे बात करती है। अगर बात की जाए तो पिछले 6 साल बेमिसाल होने के नारा देती है, दावा देती है, और प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जो है वो लगातार अपने हर संबोधन में माफिया मुक्त कानून व्यवस्था बेहतर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन ये जो मुद्दा ये जो घटना हुई है दिन दहाड़े अतीक अहमद और अशरफ अहमद की गोलीकांड की अगर बात की जाए तो इस पे भारतीय जनता पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी जो है तमाम विपक्ष कर रहा है, और समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है इस पे लगातार जो है चर्चा भी कर रहे हैं, सरकार से सवाल जवाब भी किया जाए। लेकिन अगर बात की जाए पब्लिक सेंटिमेंट की तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ज़्यादातर पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो सरकार की तरफ झुकते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि अतीक अहमद का जो है इतिहास काफ़ी पुराना रहा है, लगभग 44 साल से जो है वो एक माफिया की तरह काम करता रहा है और लगभग 4 दशक से जो है उसकी दहशत जो है प्रयागराज से लेकर प्रतापगढ़ बाकी जगहों पर भी देखी गई है। तमाम ऐसे किस्से कहानियां सबने सुने हैं कि कितना जो है आतंक का पर्यावरण अतीक अहमद बना हुआ था, जिसको लेकर पब्लिक सेंटिमेंट सरकार की तरफ झुकते हुए देखी जा सकती है। तो समाजवादी पार्टी इसको किस तरीके से मुद्दा बनाती है, फिलहाल अब तक कोई बड़ा मुद्दा तो ये नहीं बना पाए हैं, अब देखने वाली बात होगी इसको लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से देखते हैं और इस निकाय चुनाव में किस प्रकार
आकार देते, क्योंकि ज्यादा समय रहने गया है, तकरीबन 25 दिन का समय ही बाकी होगा बाकी सारे चुनाव के लिए। 4 अप्रैल को पहला चुनाव है और 11 अप्रैल का दूसरा चुनाव है। ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए विवेक। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।